वैभव जी, हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में आज का टॉपिक है एमएस एक्सेस के अंदर वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अभी भी आपने जिक्र किया कि एमएस एक्सेस में आप जब प्लस कर रहे हैं तो वो दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दे रहे हैं, राइट? हाँ वो बेसिकली क्या है कि जब आप इसके जब प्लस करते हैं तो कॉनकेटनेट कर रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इजिली टेक्स्ट ले रहा है। अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज कर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं क्रिएट पे गया, ब्लैंक फॉर्म, माफ कीजिएगा, ब्लैंक फॉर्म में लेंगे, फॉर्म डिजाइन नहीं है, ठीक है? और यहां से मैंने दो चेक बॉक्स ले लिया, वैल्यू वन एंड वैल्यू टू। वैल्यू टू और तीसरा में वैल्यू को शो कराएगा। ये सारा प्रोसीजर होगा एक चेक बॉक्स पे क्लिक करके, ठीक है? अब इसके हम जाते हैं, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब इसका नाम टेक्स वन है, अब इसका नाम हम भी डीएल कर देते हैं, वैल्यू वन, ठीक है? और इसका नाम हम कर देते हैं वैल्यू टू, और तीसरे का नाम हम कर देते हैं आरई, रिजल्ट, ठीक है? अच्छा, एक मिनट ये सर सुनिए ना, ये जो हम लोग बॉक्स में नेम डालते हैं तो जब हम लोग उसमें डेटाबेस में अपना फॉर्मूला देंगे तो फिर V1 + V2 ऐसा करना पड़ेगा? हाँ, हम नाम डालते ठीक हैं क्योंकि टेक्स वन, टेक्स फोर, टेक्स सिक्स कंफ्यूजन हो जाती है कौन से किसकी है, तो जिसमें जो वैल्यू होल्ड हो रही है उसका नाम दे देते हैं ताकि हमको वहां कॉल करने में आसानी होगी। अच्छा मतलब बार बार आपको देखना पड़ेगा कि इसका नेम क्या है, इसका नाम टेक्स फाइव फोर तो नहीं है, इस तरह से ओके इसके नाम देते हैं, राइट? अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इवेंट पे जाता हूँ, इवेंट में ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पूछे क्या चाहिए, तो मैंने बोला स्टेशन बिल्डर, तो हमारा ये स्टेशन बिल्डर नहीं है, कोड बिल्डर। ये कैसे आया, ये जो आप चूज बिल्डर आप कर यहाँ रहे पे हैं? इस पे क्लिक कर देते हैं, एक तो है कि यहाँ पे प्रोसीजर, इवेंट प्रोसीजर कर लीजिए या फिर इस पे डबल क्लिक कीजिए ना, तो आपको अच्छा तीन डॉट जो है ना उसके। अब हाँ जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आर ई इक्वल टू आर ई डॉट वैल्यू इक्वल टू, आपने बोला कि वी वन डॉट वैल्यू प्लस वी टू डॉट वैल्यू, हाँ राइट? हाँ इस फॉर्म को सेव करते हैं, यहाँ पे 25, यहाँ पे 60 करके, अब यहाँ पे कमांड पे क्लिक करते हैं, तो 25 60 आ गया। तो हाँ ये क्या कर रहा है, कॉनकेटा, प्लस करने का मतलब है कि इसको कॉनकेटा नेट कर रहा है, समझे? अब इसका हाँ इसका और ये क्या है, मतलब कि तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, तो आप इसमें जाएं और इसके डेटा पे आए, यहाँ पे दिखा है प्लेन टेक्स्ट हाँ इसमें नहीं है, माफ कीजिएगा, इसके फॉर्मेट पे आएंगे, फॉर्मेट में यहां से आप अपना इसका फॉर्मेट डिसाइड कर लीजिए क्या है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखिए अलग है, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम, शॉर्ट टाइम, जनरल नंबर, तो हम यहाँ पे नंबर कर देते हैं और इसको भी हम सेम नंबर कर देते हैं, ठीक है? और इसको भी हम नंबर कर देते हैं,
तो हमने ये इसको बता दिया कि इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें टेक्स्ट स्टोर नहीं हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है? नंबर। नंबर अब यहाँ पे अगर हम करते हैं वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे देखिए 50 आ गया, ओके हाँ क्लियर है? क्लियर। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका है कोडिंग की। कोडिंग में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि डिम आर थ्री, यहाँ पे डिम आर कॉमा वी कॉमा एल एज ए हमने बोल दिया लॉन्ग, और उसके बाद हमें कहते हैं कि आर इक्वल टू वी वन डॉट वैल्यू, वी वन डॉट वैल्यू आर नहीं ई होगा आर ही नहीं है, अलग है वहाँ, यहाँ पे हमने यहाँ डिफाइन किया है ना, क्या? अच्छा, ओके ओके और वी टू डॉट वैल्यू, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे कि L इक्वल टू आर प्लस वी, और यहाँ आर इक्वल टू हम कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, राइट? तीन वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल जो है लॉन्ग डेटा टाइप को कैरी कर रहे हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम इज दैट, अभी अभी ये लॉन्ग क्या है और बाकी क्या है, इसको बोलते हैं टेम्पररी सेविंग लोकेशन। जब हम ये डिफाइन करते हैं तो माइक्रो क्या करता है, अपने मेमोरी के अंदर में एक टेम्पररी आर यू एल नाम का वैल एक नाम का जगह क्रिएट करता है जिसमें लॉन्ग टाइप का डेटा एंट्री होता है, राइट? अब बोले सर कल तो आपने ये बताया था डबल बताया था, अब आज लॉन्ग बता रहे हैं, चक्कर क्या? देखिए डेटा टाइप जो होते हैं कुछ तरह के होते हैं, जब कैलकुलेशन एंड डेटा स्टोरेज इसका यूज करते हैं, समझे? तो डेटा टाइप समझिए, जैसे पहला होता है डिम आर एज ए बाइट, पहला होता है बाइट, बाइट डेटा टाइप जो कि आर के ऊपर 0 से लेके 255 तक की वैल्यू को स्टोर करता है विदाउट डेसिमल एंड विदाउट माइनस। अगर हमने बाइट डिफाइन कर लिया तो हम 255 से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाए। अगर मैंने डिफाइन किया कि आर एज ए यहां पे बुलियन, तो क्या होगा कि आर इक्वल टू हम फाइव ट्रू या फॉल्स लिख पाएंगे, ओके ठीक है? आर जो है बुलियन डेटा टाइप है जो कि सिर्फ लॉजिकल मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स को ही स्टोर करेगा। क्या करते हैं डिम आर एज ए इंटीजर, तो इंटीजर क्या करेगा कि वो -32,000 से +32,000 तक जाएगा, ठीक है? -32,000 से +32,000 तक, लेकिन ये भी डेसिमल स्टोर नहीं करेगा। अगर मैंने यहां पे कर दिया कि दिन आर एज ए लॉन्ग, तो लॉन्ग जो खरबों में जाएगा, ठीक है? माइनस से प्लस, लेकिन डेसिमल को स्टोर नहीं करेगा। फिर आता है डिम आर एज ए डबल, तो डबल क्या करेगा, वो डेसिमल्स को भी स्टोर करेगा माइनस प्लस, हर तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करेगा, समझ गए? फिर डिम आर एज ए हमने दिया डेट, तो इससे आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। फिर डिम आर एज ए हमने किया स्ट्रिंग, तो इससे आप स्ट्रिंग मतलब कि टेक्स्ट को डाल सकते। अब इसका क्यों यूज करेंगे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, यूज क्यों करेंगे समझ में आया कि नहीं? हाँ ये जहाँ पे अपना नंबर रहेगा वहाँ पे नंबर ले सकते नंबर की हैं। बात, नंबर तो है ही, ताकि इसमें दो चार चीजें हैं। क्या होता है जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, चलो ये तो प्लस था,
हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, हम बात करते हैं कैप रेट की, जो बड़े बड़े लंबे लंबे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, हाँ उन कैलकुलेशंस को हमें कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा ना, हाँ तो एक लाइन में तो कैलकुलेशन होगी नहीं, उसके लिए कई लाइंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो वहां पे काम आएगा। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए हम यूजर से एंट्री वैलिडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, अगर कोई डेसिमल में डालता है तो राउंड हो जाना चाहिए, तो हम लॉन्ग ले लेंगे, लॉन्ग हाँ जैसे डेसिमल होगा वो अपने आप को राउंड कर देगा, क्या? ठीक है सर। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक लास्ट, और एक लास्ट आता है वेरिएंट, डिम आर एज ए वेरिएंट। वेरिएंट भी क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें से कौन रखे कौन ना रखे, समझे? हाँ कंफ्यूजन मतलब ये वेरिएंट क्या करते हैं? वेरिएंट ये होता है, मैं बता रहा हूं आपको कि वेरिएंट मतलब क्या हुआ कि जैसा डेटा डालेंगे वैसा स्प्रे हो जाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी को लॉन्ग दे रहा हूं तो लॉन्ग पकड़ेगा पिछला भी। हाँ, मतलब कि जैसे कि आर एज वेरिएंट हुआ तो मैंने आर इक्वल टू हमने 5 दिया तो बाइट हो जाएगा, 5.6 अच्छा दिया तो डबल हो जाएगा, ओके, तो टेक्स्ट दे दिया तो स्ट्रिंग हो जाएगा, मतलब ये कि पीछे हाँ जो आपने ऊपर जैसे आपने ये डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप, वैसा डिफाइन करने मैं की बता जरूरत। हाँ मैं तो वही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आपको पता है कि हमें यही एंट्री लेना है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, बट आपको आपको पता ना हो कि वैल्यू क्या, मतलब कि एंट्री कुछ भी एंट्री हो सकता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं वेरिएंट। अब बोले हम हमेशा वेरिएंट इस्तेमाल क्यों ना करें, हमेशा हम वेरिएंट का ही इस्तेमाल क्यों ना करें, तो वो कुछ हाँ भी होता है तो सिस्टम में एक स्पेस कैप्चर होता है, यहाँ बाइट के लिए, यहाँ बुलियन के लिए, इनके लिए एक स्पेस को कैप्चर करता है, ठीक है? तो हाँ वेरिएंट जो है सबसे हाईएस्ट होता है, और एक माइक्रो का, एक प्राइवेट शॉप का एक लिमिट है 255 KB, इसका पता है 32 बाइट अकेले लेता है, अगर मान लीजिए कि 30-40 को वेरिएंट आपने डिफाइन कर लिया तो आपका स्पेस वैसे ही फुल हो जाएगा, हाँ इसलिए जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। अब हाँ मैंने डेटा टाइप पढ़ा दिया, अब डेटा टाइप को यूज करते हुए कुछ कैलकुलेशन करके दे दिया, ठीक है? डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए, तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी वैभव जी ने मेरे साथ सुबह 8 बजे क्लास लिया, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, वैभव जी मुंबई में बैठे हुए हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लास हुआ, इनकी क्लास थोड़ी छोटी है क्योंकि इनके पास ऑफिस जाने के लिए 20-25 मिनट का ही टाइम होता है, तो 20-25 मिनट ही दिल्ली लेते हैं। अगर आप भी चाहो तो हमारी क्लासेस लाइव ऑनलाइन ले सकते हैं, 1 to 1 एक क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 1 1 घंटा चलता है, जो कि मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एटलीस्ट एक डेमो क्लास ज्वाइन करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासेस किस तरीके से और कैसे हम देते हैं। सो प्लीज ज्वाइन 1 डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस के लिए मैं वेबसाइट ibtindia.com पे जाके लॉग इन कीजिए और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।